हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग ऑन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन किए प्रीवियस वीडियो में, आज कुछ और करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट क्या? किसी लाइन को उसके पॉइंट है ए एंड बी और कोई पॉइंट पी उसके मिड में है। देखना इधर, ये लाइन है हमारी ए बी, ये पॉइंट है इसके ए एंड बी। इसके कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, इसके कुछ कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। कोई पॉइंट पी इसको मिड में से डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। इट मींस ए पी इक्वल टू बी पी। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? एम वन रेशियो एम टू। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, ये जो मिड पॉइंट होगा ये M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, उसका रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1। क्या बनेगा? 1:1, बिकॉज इस लाइन के कहां है ये? मिड में। अंडरस्टूड? तो इसके रेशियो बनेंगे 1:1। तो इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू। सीधा इसमें M1 और M2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि M1 और M2 तो क्या बन गया? 1:1 बन गया। ओके, और इसी तरीके से इसका y का फॉर्मूला है y2 प्लस y1 बाई टू। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई पॉइंट हो वो मिड में हो, उस लाइन के कहां हो? मिड में हो, तो डायरेक्ट x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x2 प्लस x1 बाई टू, एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? y2 प्लस y1 बाई टू। इसमें हमें m1 और m2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या हुआ? ये मिड में है, इस लाइन के कहां है? मिड में। अंडरस्टूड? मिड में है तो इसके रेशियो 1:1। बात समझ में आ गई? नाउ हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 11,9 एंड 1,2। एक लाइन बनाते हैं ए एंड बी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम 11,9, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम 1,2। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? थ्री इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट का मीन्स थ्री इक्वल पार्ट, जैसे बाइसेक्ट का मीन्स होता है टू इक्वल पार्ट, वैसे ट्राइसेक्ट का होता है थ्री इक्वल पार्ट। अंडरस्टूड? सो वो पॉइंट क्या कर रहा है? इसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पॉइंट पी वन बन गया, यहां पॉइंट पी टू बन गया, दो पॉइंट बनेंगे विच ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर दिया ए पी वन, पी वन पी टू एंड पी टू बी। ये तीनों पार्ट क्या हैं? इक्वल हैं। अंडरस्टूड? अब ध्यान रहे, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बनेंगे सो एक्स वाई, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स एंड वाई। अब ध्यान रहे, पी वन का रेशियो हमें पता चल जाएगा, ये थ्री इक्वल पार्ट हैं, तो ये पार्ट इधर कितना है? वन, और इधर कितने हैं? वन एंड टू। सो ये रेशियो बनाएगा 1:2। अंडरस्टूड? अब इस पी टू पॉइंट का देखना क्या रेशियो बनाएगा, इधर कितना है ए पी टू, ए पी टू तक कितना है? वन पार्ट टू पार्ट, इट मींस इधर टू रेशियो, इधर कितना पार्ट है? वन। बात समझ में आ गई? जब ट्राइसेक्ट के लिए बोले और हमें रेशियो का पता नहीं हो, रेशियो नहीं दे रखा ना हमें, तो यहीं से पता लगा लिया हमने रेशियो क्या है, इधर वन पार्ट है इधर टू पार्ट है, तो 1:2 इस पी वन पॉइंट का, और पी टू पॉइंट का 2:1, इधर टू पार्ट और इधर वन पार्ट। बात समझ में आ गई? अब इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। नाउ P1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, P1 पॉइंट के x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ओके, ध्यान रहे, ये x1 और ये y1 और ये वाला x2 और y2। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं, m1 कितना है? P1 का फाइंड कर रहे हैं हम, P1 का फाइंड कर रहे हैं, तो m1 है 1 मल्टीप्लाई एक्स टू 1 प्लस एम टू क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स वन क्या है हमारा 11। ओके, बाई एम वन प्लस एम टू, इट मीन्स 1 प्लस 2। ओके, नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 टू जा 22 बाई 3, सो वी गेट 23/3। पी वन पॉइंट के एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 23/3। अंडरस्टूड? इसी तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
y इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखना जरूरी है। एम वन क्या है हमारा, वन, ओके। वाई टू टू प्लस एम टू क्या है, टू मल्टीप्लाई वाई वन नाइन बाई वन प्लस टू, सो टू मल्टीप्लाई वन, सो टू प्लस नाइन टू जा एटीन बाई थ्री, सो ट्वेंटी बाई थ्री। स्टूडेंट्स P1 पॉइंट के y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 बाई 3, ओके। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, यहां x की वैल्यू मिल गई और वहां y की वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, 23 बाई 3 कोमा 20 बाई 3। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं हमें, अब हम क्या करेंगे, P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ओके। P2 पॉइंट के लिए, P2 पॉइंट की x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू फॉर्मूला वही लगने वाला है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। कहीं समस्या नहीं है, फॉर्मूला वही काम आ रहा है बार बार में, बस हमें यह समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर हमारे चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला ट्राइसेक करने के लिए, ट्राइसेक कर दिया हमने, इसको रेशियो दे दिए 1:2, P1 को दे दिया और P2 को दे दिया 2:1, उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, M1 क्या है इसका, अब P2 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना अब इसका काम नहीं है, P2 का काम है। P2 में M1 है 2 मल्टीप्लाई X2 क्या है 1 प्लस M2 क्या है 1 मल्टीप्लाई X1 है 11 बाई 2 प्लस 1, ओके। 2 प्लस 11 एंड 3, सो 13 बाई 3। P2 पॉइंट के x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 बाई 3, अंडरस्टूड। नाउ y की वैल्यू करते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ओके। m1 क्या है हमारा 2, 2 मल्टीप्लाई y2 2 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 है 9 बाई 2 प्लस 1, सो 2 टू जा 4 प्लस 9 वन जा 9 बाई 3, सो 9 प्लस 4 13 बाई 3। सो स्टूडेंट्स P2 पॉइंट के y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 बाई 3, अंडरस्टूड। सो P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा 13 बाई 3 कोमा 13 बाई 3। यही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, P1 एंड P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, P1 के ये वाले मिल गए और P2 के ये वाले, अंडरस्टूड, अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x plus y equal to 9 divides the line segment which joins point 1,3 and 2,7। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हमारा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ओके। उसके बाद में काम करना, क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले हम सॉल्यूशन के पीछे भाग गए, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को समझो पहले, ओके। सो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, ओके। आगे क्या बोल रहा है, विच लाइन 3x plus y equal to 9 divides, ये लाइन है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखा है, ओके। ये डिवाइड कर रही है कौन सी लाइन सेगमेंट को, पॉइंट 1,3 एंड 2,7, ओके। ये टू पॉइंट्स हैं, इनसे कोई लाइन बनी हुई है उसको डिवाइड कर रही है ये लाइन 3x plus y equal to 9, ओके। सो तो आप बना लो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये लाइन सेगमेंट, और इस लाइन को डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखी है, तो इक्वेशन लिख दो 3x plus y equal to 9, ओके। इसके कोऑर्डिनेट x और y होते हैं, p से हम इसको डिनोट करते हैं, ओके। रेशियो हमें पता नहीं, सो m1 रेशियो m2 क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ऐसा बना लोगे तो आपका 50% काम तो यही हो जाएगा, ऐसा बना लोगे ना क्वेश्चन को रीड करने के बाद तो 50% यही काम हो जाएगा, उसके बाद तो आपको अप्लाई करना है कौन सी चीजें कहां रखनी है, ओके। यहां पता चल गया ये वाली लाइन क्या कर रही है, इस ए बी को डिवाइड कर रही है, और ये इक्वेशन फॉर्मेट में दे रखा है 3x plus y equal to 9, इसके रेशियो हमें फाइंड करने हैं m1 रेशियो m2। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 2,7, ओके। ये x1 y1, ये x2 y2, इतने क्वेश्चन कर लिए, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट है तो वो x1 y1 और सेकंड पॉइंट है वो x2 y2, ओके। नाउ पॉइंट P के x की वैल्यू फाइंड करें, सो पॉइंट P
x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला वही है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, m1 x2 क्या है, x2 देखो 2, सो 2 प्लस m2 क्या है, कुछ नहीं है, और x1 मल्टीप्लाई 1, ओके m1 प्लस m2, अंडरस्टूड। नाउ 2m1, 2m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2, ये वैल्यू आई हमारी x की, ये वैल्यू क्या आई हमारी x की वैल्यू आई है, ओके अभी हमारे पास m1 और m2 नहीं है, अभी करेंगे क्या करने वाले देखना, इसी तरीके से हम y का करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं, m1 एज इट इज, y2 है हमारा 7 प्लस m2 एज इट इज, और y1 है हमारा 3, m1 प्लस m2, ओके नाउ y इक्वल टू 7m1 प्लस 3m2 बाई m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू आई हमारे पास 7m1 प्लस 3m2 बाई m1 प्लस m2, ये x की और ये y की। अब देखो क्या करेंगे हम आगे, ये x और y की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन में, x और y की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन में, ओके तो करें, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, नाउ x और y की वैल्यू इक्वेशन में रखें, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारी 3x प्लस y इक्वल टू 9, सो 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखोगे, ये कंप्लीट, सो 2m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2, ओके नाउ प्लस y की जगह क्या रखोगे, ये वाला 7m1 प्लस 3m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 9, अंडरस्टूड। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाए इससे, 3 टू जा 6m1 प्लस 3m2 बाई m1 प्लस m2, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, 7m1 प्लस 3m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 9। अब इनका एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा m1 प्लस m2, नाउ इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 6m1 प्लस 3m2, ऐसा ही काम इसके साथ, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है 7m1 प्लस 3m2 इक्वल टू 9, यहां 6m1 और 7m1 कितना हुआ 13m1, 3m2 और 3m2 कितना हो गया 6m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 9, ओके नाउ m1 प्लस m2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर डिवाइड में है इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, या हम कह सकते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके सो 13m1 प्लस 6m2 इक्वल टू 9 ब्रैकेट m1 प्लस m2, ओके नाउ 13m1 प्लस 6m2 इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो 9m1 प्लस 9m2, ये 9m1 है ये इधर ले जाते हैं और इधर वाला 6m2 उधर ले जाते हैं, सो 13m1 माइनस 9m1, ओके 9m2 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस 6m2, अंडरस्टूड 13m1 माइनस 9m1 सो वी गेट 4m1 इक्वल टू 3m2, अंडरस्टूड। अब ये क्या होगा m2 इधर आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, सो m1 बाई m2 इक्वल टू 3 ऑलरेडी है ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, सो रेशियो क्या हो जाएगा m1 बाई m2 इक्वल टू 3 बाई 4, सो रेशियो है हमारा 3 रेशियो 4। रेशियो पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था फाइंड द रेशियो, तो रेशियो क्या मिला हमें 3 रेशियो 4। बात समझ में आ गई, देखो क्या किया हमने, ये लाइन थी हमारे पास 3x plus y equal to 9, ये डिवाइड कर रही थी ना AB को, A के और B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, ओके और रेशियो में पूछा गया था क्वेश्चन में कि रेशियो बताओ, तो पहले क्या किया हमने P पॉइंट के x की वैल्यू फाइंड करी तो ये वाले मिली और y की वैल्यू फाइंड करी तो ये मिली। अब क्या किया इन दोनों को इस इक्वेशन में रख दिया, इस तरीके से इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास ये मिला, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करके m1 बाई m2 आया 3 बाई 4, इट मींस m1 रेशियो m2 3 रेशियो 4।
बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तैयार कर लेना। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3, P डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट -5, -4 एंड -2, -3 एंड ऑल्सो फाइंड पी। स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो, एक तो रेशियो फाइंड करना है, वेयर पॉइंट -3, P डिवाइड्स, ये पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस लाइन के कोऑर्डिनेट हैं ये वाले, तो लाइन बना लेते हैं हम ए एंड बी। ओके, ए के कोऑर्डिनेट हैं -5, -4, बी के कोऑर्डिनेट -2, -3। इसने क्या बोला, -3, P डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट, वैसे हम पी लेते हैं पर इस बार क्या इसने वाई की जगह क्या कर दिया, पी कर दिया, तो कुछ और पॉइंट ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना होंगे, तो यहां ले लेते हैं क्यू पॉइंट। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट है -3, P। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहां पे पी कैसे आ गया, ये क्वेश्चन ने दिया है वेयर पॉइंट -3, P, इसने पी लिखा है तो हमें पी लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे वाई की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, उसी तरीके से इसकी कर लेंगे। ओके, सो और इसका रेशियो M1:M2 ले लेंगे। अंडरस्टूड, तो करें शुरू। सो पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के लिए x की वैल्यू क्या है, M1x2+M2x1/M1+M2, वैल्यू रखें M1 एज इट इज मल्टीप्लाई x2, ये वाला x2 है हमारा -2। ओके, प्लस M2 एज इट इज x1 क्या है -5/M1+M2। ओके स्टूडेंट, ध्यान रहे Q पॉइंट के x की वैल्यू क्या है -3, तो यहां पे -3। ओके, सो -2M1+-5M2/M1+M2। ओके, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, -3M1+M2=-2M1-5M2। अंडरस्टूड, नाउ -3M1-3M2 मल्टीप्लाई किया -3 को इनसे, -2M1-5M2। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से। अब देखो इधर -3M1 है, इसको इधर ले जाते हैं इक्वल के राइट साइड में, सो और इधर है -3M2 और -5M2 को इस साइड ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा 5M2 इक्वल टू, यहां -2M1 ऑलरेडी है, -3M1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3M1। ओके, सो कितना हो गया, -3M2+5M2, सो 2M2 इक्वल टू 1M1, ये -2M1 है, ये +3M1 है, सो क्या मिला हमें 1M1। नाउ ये M2 उसके डिवाइड में जाएगा, ये 1 इधर डिवाइड में जाएगा, सो 2/1=M1/M2। सो स्टूडेंट्स हमें रेशियो मिल गए, M1:M2 क्या मिला 2:1, रेशियो क्या मिला हमें 2:1। बात समझ में आ गई, अभी इसने रेशियो के लिए बोला था, रेशियो तो फाइंड हो गया, एक चीज और बोली इस क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड पी, पॉइंट पी भी फाइंड करना है, तो करें आगे। नाउ ये रेशियो आ गया 2:1, पॉइंट पी इट मींस वाई, यहां पे वाई आता है ना, तो वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा M1y2+M2y1/M1+M2, वाई इक्वल टू M1 कितना है 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है 3 प्लस M2 1 मल्टीप्लाई y1 क्या है -4/2+1, 3 2 6+-, सो 4/3, 6-4, 2/3। इट मींस स्टूडेंट्स Q पॉइंट के Y की वैल्यू क्या आ गई, Q पॉइंट के Y की वैल्यू क्या आ गई 2/3, इट मींस Y इक्वल टू 2/3, सो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3। अंडरस्टूड, P की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, P किसकी जगह है Y वाले की जगह, Y लिखा जाता है ना वहां पे, तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। बात समझ में आ गई अच्छे से। ओके,
स्टूडेंट्स आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। ओके, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना, तैयारी करना और वापस मुझे रिप्लाई करना आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करी है, क्या किया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और काम हो गया, इस पर प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।